संगम नगरी प्रयागराज में लगे माघ मेला में इस्लामिक साहित्य बेचे जाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रयागराज पुलिस ने सरगना समेत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों का सरगना प्रयागराज के एक मदरसे का शिक्षक है, जिसने 2 हिंदू युवकों का पूर्व में धर्मांतरण कराया और इन्हें मुस्लिम बनाने के बाद इन्हीं के जरिए माघ मेला में इस्लामिक साहित्य की किताबें बंटवाना शुरू कर दिया। मामले में बीजेपी MLC निर्मला पासवान की शिकायत के बाद पुलिस की टीम ने 3 को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से बड़ी संख्या में इस्लामिक साहित्य समेत अन्य कूट रचित किताबें बरामद हुई हैं। पुलिस की शुरुआती जांच पड़ताल में पता चला है कि गिरफ्तार अभियुक्त महमूद हसन गाजी लंबे समय से हिंदू धर्म ग्रंथों की गलत व्याख्या कर किताबों को हिंदू धार्मिक स्थलों के साथ ही मेला में बेचने का काम करता था। इसके लिए उसे दुबई से फंडिंग भी होती थी। मामले में पुलिस ने सरगना मौलाना महमूद हसन गाजी समेत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह में शामिल अन्य अभियुक्तों की तलाश में पुलिस की टीम जुट गई है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इस पूरे प्रकरण में एक बड़ा गिरोह शामिल है, जो लंबे समय से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनाने का खेल खेल रहा है। वहीं पुलिस गिरफ्त में आए सरगना मौलाना महमूद हसन गाजी ने कहा कि उसने जो किया है उसका उसे कोई भी पछतावा नहीं है। वो मौलाना है, उसे जो आइडिया आया वो उसने किया। फिलहाल पुलिस ने सरगना मौलाना महमूद हसन गाजी मोहम्मद मोनिश और समीर उर्फ नरेश को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इस गिरोह में कई लोग शामिल हो सकते हैं, ऐसे में उनके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। ये दोनों लड़के कभी हिंदू थे, अब इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है। तो ये लड़के ठेले पे धार्मिक पुस्तकें बेच रहे थे। कुछ बुक्स इनकी थी जो मुस्लिम धर्म से रिलेटेड थी, कुछ बुक्स इनके पास अच्छी खासी तादाद में है जो हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं। उसमें उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों के जो श्लोक हैं उनकी परिभाषाएँ अपने ढंग से की हैं और गलत परिभाषाएँ की हैं, इससे किसी की भी धार्मिक भावनाएँ आहत हो सकती हैं। ये बुक्स वहाँ ये बांट रहे थे और उसी जिसको ये बुक्स फ्री में देते थे उनकी फ़ोटो खींच लेते थे और वो फ़ोटो अपने जो तीसरा आदमी है महमूद गाजी जिसे इन्हें बुक्स उपलब्ध कराता था उसको भेजते थे। अब वो अपने दूसरे बंदे को अबू धाबी में भेजता था फोटोग्राफ है, वहाँ से इनको फिर आर्थिक सहायता 10,000 रुपये के रूप में एक बार में वो मिलती थी, उससे पुस्तकें छपा के ये बंटवा रहे थे। उद्देश्य क्या था? कुछ उद्देश्य इनका ये था कि वहाँ बंटवा के और कुछ लोग जो सॉफ्ट टारगेट हैं उनको उनसे संपर्क किया जाए, उनको फिर कन्वर्जन के लिए तैयार किया जाए। अभी तक कुछ पता चल पाया है कितने लोगों को इन लोगों ने टारगेट पे आपने लिया है? नहीं, अभी तो बुक्स का ही यहाँ पे है, बाकी हम लोग इनका बाकी छानबीन हम लोगों ने अभी चल रही है, इंटेलिजेंस एजेंसी ने अभी बात की है, तो वो चीज़ें आगे जब आएंगी तो हम लोग फिर गिरफ्तार में एक मौलाना भी है मदरसे का। हाँ, जो बुक्स इनको उपलब्ध कराते थे वो हैं मदरसे के मौलाना हैं और बाकी जो है ये लड़के दोनों जो है ये बेचते थे। किन किन जगहों पर अभी तक ये इन्होंने बेसिकली जो हिंदू धर्म के जो मंदिर या जो मेले हैं जो बड़े बड़े वहाँ पे लोग भेजते थे। कितने समय से इस पूरे कार्य में ये लड़का तो 2 साल से काम कर रहा है। इसमें एक लड़का जो गिरफ्तार है उसके भी कन्वर्जन की बात सामने? हाँ, दोनों मोनिश है वो 2 साल पहले कन्वर्ट हुआ था, अपने फूफा के साथ रह रहा था, और दूसरा ये 12 साल पहले हुआ है समीर। ये दोनों कभी हिंदू थे और एक चायल का रहने वाला, एक इलाहाबाद का ही रहने वाला है। बता दें कि इस मामले में विदेशों से हो रही फंडिंग को लेकर भी गहनता से पड़ताल की जा रही है और जो लोग भी इस रैकेट में शामिल होंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, ये कहना है पुलिस अधिकारियों का। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है और कोर्ट से कस्टडी रिमांड पर लेकर दोबारा पूछताछ की जाएगी, जिससे आगे धर्मांतरण के इस पूरे खेल में शामिल अन्य अभियुक्तों को आसानी से गिरफ्तार किया जा सके। प्रयागराज से सैयद आकिब रजा की रिपोर्ट।